खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दिखाते हैं आपको बीफ डिलीवरी पर बंगाल में क्यों मचा है बवाल। दरअसल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीफ डिलीवरी पर बवाल हो गया है। खाना डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो के कर्मचारियों ने बीफ और पोर्क की डिलीवरी नहीं करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं कर्मचारी। इनका आरोप है कि उन्हें बीफ और पोर्क पहुंचाने के लिए कहा जाता है और जब वो ऐसा करने से मना करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है कि किसी भी हाल में ऑर्डर रद्द नहीं होगा, जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता है जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। तो एक बार फिर से विवादों में है जोमैटो और इस बार उसके खुद के कर्मचारी उसके खिलाफ लामबंद हो गए। अलग अलग रेस्टोरेंट जो टाइप हुआ है जिसमें कुछ में बीफ मिलता है, कुछ में पोर्क मिलता है, जो अभी स्टार्ट होने वाला है, इस वजह से हम लोग का जो भाई लोग है, हिंदू भाई लोग, वो लोग बोलते हैं कि बीफ सप्लाई नहीं करना चाहते और अभी कुछ दिन बाद पोर्क भी चालू होने वाला है, जो हम लोग का धर्म का खिलाफ, हम लोग नहीं देना चाहते। इस रीजन से हम लोग जब आंदोलन के, शायद इसके वजह से कंपनी हम लोग का पे आउट घटा दी है। पे आउट घटाने की वजह से हम लोग हफ्ता भर से बंदी में है, बंद करके रखे जोमैटो को। आप लोग स्ट्राइक कर दिए हैं? जी सर, हम लोग एक हफ्ते से स्ट्राइक में कर रखे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग का पे आउट पहले जैसा सही हो, ये नॉन फूड जो होता है धर्म के बारे में ये बंद हो जाए। क्या लगता है धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कंपनी तो वही करना चाह रहे हैं क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो जिसको जो बेसिस में उनको वो डिलीवरी करना चाहिए, जो हम लोग नहीं करना चाहते, मगर कंपनी वही हम लोग से करवा, कंपनी बोलता है जो आपसे डिलीवरी आपको जो फूड दिया जाएगा वो करना पड़ेगा। तो सर ये चीज तो हम लोग अपना बैग में लेके जाते, घर में लेके जाते हैं, तो ये चीज हम लोग से नहीं होगा। सर अभी उन्होंने कुछ स्टूडेंट मतलब गौमान जो हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धार्मिक बनो, तो कंपनी कहती है कि जिस तरह का भी डिलीवरी हो, जो भी डिलीवरी हो, आपको वो भेजना होगा, देना होगा, डिलीवरी करना होगा। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मुस्लिम भाई भी हैं, बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हैं, एक संग रहते हैं, उन लोगों को बोला कि सुअर सुअर के लिए डिलीवरी करना होगा, जो कि में क्या होता है वो सब भी करना पड़ता है, तो ये नहीं होगा सर, इसके लिए हम लोग बातों पर स्ट्राइक किए हैं सर। तो यहाँ पर जो गौर करने वाली बात यह है, आपने भी देखा होगा दोनों ही धर्मों के कर्मचारी इसमें हैं और वो ये कह रहे हैं कि ना तो हम बीफ डिलीवर करेंगे और ना ही हम पोर्क डिलीवर करेंगे। इस बारे में पूछे जाने पर पिछड़ी जाति विकास विभाग के मंत्री राजीव बैनर्जी ने कहा कि ये गलत है, किसी कर्मचारी के धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाकर काम कराना गलत है, कंपनी तुरंत अपना फैसला वापस ले, शिकायत मिलने पर हम कार्रवाई करेंगे। मुझे भी लग रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ये सब कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, लेकिन ये तो दोनों तरफ में ही है ना, किसी का मजहब, देखिए जज सबका धर्म अपने पास है, लेकिन वो धर्म का भी तो कुछ नियम नीति उन लोगों को है, अगर ये कुछ कर रहे हैं जबरदस्ती तो मुझे नहीं लग रहा ये करना चाहिए, उनको भी अपने मजहब के हिसाब से सोचना चाहिए। किसी का मजहब में अगर पोक हमको गलत है तो फिर हम कैसा करेंगे, धर्म तो सबका अपने अपने बात है, इस पर प्रायोरिटी भी है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है इसको सोचना चाहिए, उनको उस हिसाब से विचार करके किसको क्या देना चाहिए ऐसा करने से ठीक है, नहीं तो ये तो एक बड़ा गलत तरीका से काम होगा।